अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर है और पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजाब के अंदर डेजर्ट के अंदर गंदम की कटाई किस तरह से होती है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मज़दूर तबका है वो कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं, खवातीन और मर्द साथ ही काम करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आज हम मजदूर तबके के लिए खाना भी बनाएंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल गंदम का सीज़न है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लेबर जो काम कर रही है, और इस तरफ लेबर के लिए दोपहर का खाना बनाया जा रहा है जो कि बाद में उनको काम करने के बाद दिया जाता है। तो अभी आज उनके लिए चिकन की रेसिपी है, इसके अलावा हलवा भी बनाएंगे। अभी ये वाला बर्तन छोटा पड़ गया था, लेबर ज़्यादा थी, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं इसे बड़े देचके के अंदर। अभी चिकन ऐड करने लगे हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर आलू भी ऐड करेंगे। ये जी पंजाब का सकाफती जो है सालन है, गोश्त और आलू पकाया जाता है लेबर के लिए, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। अभी आप देख सकते हैं चमचा चलाना मुश्किल हो गया, इतना मटेरियल हो चुका है ना बेचके के अंदर। वो सामने लेबर काम कर रही है, वहाँ पर जाते हैं अभी। ये अभी आप देख सकते हैं कि लेबर के लिए पानी लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि बेरी के ऊपर से हवा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेर नीचे गिरे हुए हैं, और ये ज़ाया हो चुके हैं। इनमें से कुछ बेर सही हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ताज़े ताज़े गिरे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं लेबर काम कर रही है, ख़वातीन और मर्द साथ ही काम करते हैं यहाँ पर। और ये आप देखें कि घर वाले पानी भी लेकर आए हैं उनके लिए, ताकि पीछे जो लेबर है काम कर रही उनको प्यास महसूस ना हो। अभी ये पानी पीने के लिए आवाज़ दे रहे हैं, ताकि जो भी काम कर रहे हैं आकर पानी पी सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कड़न लगे हैं गंदम जी? कड़न लगे हैं। ये केड़ा इलाका? अपना चोलिस्तान का इलाका ना? चोलिस्तान का। सही हो गया। ये सामने आप देख रहे हैं मशीन आ रही है। अभी ये आप देख सकते हैं कि मर्द और खवातीन जो है गंदम में काम कर रहे हैं, और उनको अभी पानी पिलाया जा रहा है। अभी यहाँ से जो है गठरियाँ उठाकर वो सामने मशीन खड़ी है वहाँ तक लेकर जाएंगे। ये आप देखें कि
इस तरह से बड़ी ही मेहनत के साथ ये काम होता है। अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि गंदम इकट्ठे करते करते जो लेबर है वो थक चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं आराम के लिए छांव के अंदर बैठ चुके हैं और अभी हम चाचा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है चाचा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? शुक्र है। आज गंदम इकट्ठी कर रहे हो, किवें महसूस कर रहे हो? माशाल्लाह सोना काम हो रहा है, कोई महसूस ही नहीं है। अच्छा, गर्मी नहीं महसूस हो रही? नहीं महसूस हो रही। सही हो गया। कितनी गंदम एक दिन दे विच इकट्ठी कर लेंदे तुसीं? तीन एक एकड़ इकट्ठी कर लेने। सही हो गया। तो थोड़ी कोई टीम होंगी है, मतलब ग्रुप होंदा कोई? नहीं, ग्रुप इन्हें के छे बंदे हैं। छे बंदे हो ग्रुप दे विच? तीन बच्चियां। सही, तीन खवातीन ते तीन जड़े नौजवान। तो कितनी उजरत, मतलब मेहनत तुहानू कितनी की मिल जाती है एक एकड़ की? एकड़ दो मन मिल जाती है। सही हो गया, गुजारा अच्छा हो जाता है? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डेरे पर, वहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं मज़दूरों के लिए, लेबर के लिए खाना बना रहे हैं। तो अभी दोबारा उधर चलते हैं। अभी जी हलवा बनाया जा रहा है देसी घी वाला। देसी घी ऐड करती है। अभी आप देख सकते हैं हलवा बनाया जा रहा है। माशाल्लाह कलर आप चेक करें कितना प्यारा बन गया है। ठीक हो गया, किशमिश डाल दी गई जी। नादरन गांव के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके अंदर ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, लेकिन होते नेचुरल हैं। और इसी तरह से आज भी जो हलवा बनाया जा रहा है इसके अंदर मिनिमम ग्रेडियंट्स हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, नेचुरल लुक जो होती है ना इसकी आ जाती है। अभी पानी भी डाल दिया गया है, ज़बरदस्त हो गया। अभी चीनी भी ऐड करेंगे इसके अंदर। ये जी चीनी भी डाल दी है अभी। हलवा रेडी है। अभी हलवा जो है तैयार हो चुका है, माशाल्लाह आप देखें कितना अमेजिंग है। इसके अंदर सिर्फ किशमिश डाली गई है जिसको सोगी बोलते हैं, और सब्ज़ इलायची डाली गई है, और कलर आप चेक करें देसी घी वाला कलर आ गया है इसके ऊपर, माशाल्लाह। अभी इसको उतारने की बारी है। बना देनी है, मैं बना दूँगी। हाँ जी, अभी हलवा चेक करने लगे हैं और ये देखें माशाल्लाह। दिल तो करता है सारा ही खा जाए, खाए ना होना।
हाँ जी, कैसा टेस्ट बना है? वेरी नाइस, बहुत मजेदार। आपने खुद बनाया तो आपको मजेदार लगेगा। अब हम खा कर देखेंगे, चेक करके देखो। ठीक है जी, अभी मैं चेक करता हूँ और अभी आपको बताते हैं कैसा बना है। हलवाई बने हैं, कुछ और तरी बन गए गरम आगा। जबरदस्त जी, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है। और देसी घी के तो क्या बात है, लेकिन गर्म था, मेरा मुंह जल गया थोड़ा सा, गर्मा गर्म था, मुझे पता नहीं लगा। घर वाले जो गए हुए थे गंदम का काम करने के लिए, वो वापस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर तक खाना भी रेडी हो जाएगा। अभी जी आप देख सकते हैं खाना तैयार हो चुका है। और जो लेबर काम कर रही थी उनको खाना अभी सर्व किया जा रहा है, सारे बैठ के खाने लगे हैं। बच्चे खाओ, इसमें लाल डब्बे।